सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपने इस सरकार का आखिरी बजट पेश करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट को लेकर टैगलाइन तैयार किया गया है। बजट का टैगलाइन बचत, राहत और बढ़त है। कांग्रेस पार्टी इस टैगलाइन को जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस सरकार के नेता और मंत्री के इस टैगलाइन से अनजान है। गहलोत सरकार में अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री और पोखरण से विधायक शाले मोहम्मद को इस टैगलाइन के बारे में पता नहीं है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब शाले मोहम्मद झुंझुनू के नुआ गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। नुआ पहुंचने से पहले मंडावा में मीडिया ने उनसे बजट के बारे में पूछा तो वे बजट की तारीफ करने लगे, लेकिन जब टैगलाइन की बात आई तो वे खुद ही टैगलाइन के 3 शब्दों को बता नहीं सके। उन्होंने पास में खड़े फतेहपुर से कांग्रेस विधायक हाकिम अली के अलावा अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी इन शब्दों के बारे में पूछा, वह भी आंखें झेपने लगे। बजट आने में 2 दिन शेष हैं। मुख्यमंत्री खुद ही इस पर बारीक नजर रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार का बजट राजस्थान के लिए कुछ नया होगा। युवाओं, किसानों और खिलाड़ियों को बजट में प्राथमिकताएं दी जाएंगी, लेकिन गहलोत कैबिनेट के मंत्री बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।